नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में किरण नाज साहिबा के प्रोग्राम में मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब ने तहरीक आखिरी इंकशाफात का इजहार किया है कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने में किसका अहम किरदार था। देखिए इस वीडियो में उन्होंने क्या कहा। देखें, ये बात दुरुस्त है कि मैं माजी में बहुत सी चीज़ों का यानी शायद रहा हूँ। वो अभी शायद वक्त इतना नहीं गुजरा कि उन चीज़ों के ऊपर से कोई पर्दा उठाया जाए, लेकिन जिस वक्त जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने का मामला था उस वक्त तो जो मजमूई तौर पर सियासी जमातों की हालत थी कि तमाम अपोजिशन की जो पार्टीज़ थी उन्होंने काफ़ी मजबूरी के तहत वो वोट दिया। उन पार्टीज़ के अंदर भी डिबेट हुआ, बहुत से लोग जो हामी नहीं थे इसके उन्हें भी पीछे हटना पड़ा। हत्ता कि मुस्लिम लीग नून के अंदर परवेज़ रशीद साहब थे जिन्होंने इस कानून के लिए वोट नहीं किया। पीपल्स पार्टी में रज़ा रब्बानी साहब थे जिन्होंने वोट नहीं किया। तो इस तरह मिसालें मौजूद थीं। भारत और हम अगर लार्जर पिक्चर की जानिब देखें तो उस लार्जर पिक्चर में मैं तो यही समझता हूँ कि एक्सटेंशन का जो कानून है वो दुरुस्त नहीं है। किसी भी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, और एक्सटेंशन अगर दी जाती है तो वो मेरे ख्याल में अगर कोई ऐसा जंग का समा बना हो, कोई ऐसी कंपेलिंग रीजंस हो, तो शायद उस वक्त उसकी एक जस्टिफिकेशन क्रिएट हो सकती है। लेकिन अदर देन दैट मेरा ख्याल है मजबूरी उस वक्त पार्टीज की मजबूरी थी जिसके तहत ये वोट दिया, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या मजबूरी थी? देखिए, सबके ऊपर उस वक्त एक बड़ी नैब के केसेस बनाए गए थे। एक ऐसी सूरत हाल तो थी कि जिसमें कॉन्सिक्वेंसेस सारी पॉलिटिकल पार्टीज पे कर रही थी जो खुसूसन इमरान खान साहब के मुखालिफ थी। और उस वक्त फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब केस उठा, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि चीफ जस्टिस खोसा ने जिस वक्त वो केस उठाया तो शायद उनसे जो वादे वईद किए गए थे उनकी चीफ जस्टिस की टेन्योर बढ़ाने के वो शायद पूरे नहीं हुए, तो जिसके ऊपर उन्होंने एज रिएक्शन जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन हुई तो उन्होंने फिर उस केस को उठाया। इस चीज़ का तो मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी से ये रابطہ किया गया था कि आसिफ सईद खोसा साहब के लिए चीफ जस्टिस जो हैं उनका टेन्योर बढ़ाने के लिए, उस टेन्योर को 3 साल का करने के लिए, जजेस की जो रिटायरमेंट एज है उसको बढ़ाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक एफर्ट किया गया था राजी करने के लिए, और इसी ज़मीन में एक बिल भी जमा करा दिया गया था नेशनल असेंबली में, लेकिन वो फिर पॉलिटिकल पार्टीज उस वक्त नहीं मानी उस चीज़ के ऊपर। बहरहाल, कत नज़र इस सारी चीज़ से किरण जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि ये सारी जो हमारी पावर इक्वेशन के अंदर जो एक फ्लॉ है बहुत बड़ा, एक पर्टिकुलर ऑफिस के अंदर जो आर्मी चीफ का जो ऑफिस है उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर्स वेस्टेड है। और इस वक्त अगर हमें एक बैलेंस क्रिएट करना है तो वो बैलेंस इसी सूरत में मुमकिन हो सकेगा जब हम सारे अपने रवैये बदलें। लेकिन सर, अभी तो ये जो बैलेंस है ना वो क्रिएट होने के बजाय भौचाल पे भौचाल आए जा रहे हैं। अब जैसे कि राणा सनाउल्लाह साहब ने बात की है, वो कह रहे हैं कि ये एक्सटेंशन का वोट देने के बाद मजीद फायदे मिले, उससे फिर ये जो एक पेज वाला सिनेरियो था वो फटा। हालांकि वो एक पेज की बात पहले भी हो चुकी है कि वो 6 महीने बाद ही फट चुका था, लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि एक पेज फटा पर सियासी तौर पर फायदे हुए, तो फिर ऑब्वियसली फिर ये फायदे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी मिले होंगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग थी, मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंडिंग थी। देखे ना, ये तो हमारी सियासत की तल्ख हकीकत है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट का कितना उसके अंदर रोल है। यहाँ पर हमारे मुल्क की सियासत में बहुत से ऐसे फैसले हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज खुद नहीं लेती लेकिन उनको कई दफा मजबूर किया जाता है या उन्हें उस कॉर्नर में पुश कर दिया जाता है जहां पर उनको वो फैसले लेने पड़ते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोगों ने वीडियो को देखा। इस वीडियो में किरण नाज साहिबा ने मुस्तफा नवाज खोकर साहब से कुछ सवाल किए, और वो सवाल उनसे पूछे गए कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो रेजीम चेंज का नाम दिया गया है वो उनको हटाने में किसका किरदार अहम था, और जनरल बाजवा साहब को उस वक्त एक्सटेंशन जो है वो किस पार्टी ने दी और क्यों दी, क्या वजूहात थी, ये कुछ अहम सवालात उनसे पूछे गए। तो मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब ने वाज़े तौर पे बताया कि उस वक्त कुछ पार्टीज़ के खदशात थे लेकिन तमाम अपोजिशन की पार्टियों ने हम वक्त एतराज़ करते हुए भी
जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी। उसमें कुछ लोग शामिल थे जैसे कि परवेज रशीद साहब जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, सीनियर तरीन रहनमा है, उन्होंने इसमें वोट कास्ट नहीं किया था और एतराज़ात उनको इस पर खदशात थे इसलिए उन्होंने अपना वोट नहीं दिया। और इसी तरह पीपल्स पार्टी के रहनमा हैं रजा रुबानी साहब जो हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने भी जनरल बाजवा साहब के एक्सटेंशन के मौके पर अपना वोट कास्ट नहीं किया, ये उन्होंने वाजह तौर पे बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि एक्सटेंशन जो है कानून एक्सटेंशन का वो उस वक्त मुफीद और मौसर का साबित होता है जब अगर जंग का समा हो और ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी हो जिसमें नए आर्मी चीफ का लगना बहुत मुश्किल दुश्वार नज़र आता हो और उस वक्त में जो सबका जो चीफ जस्टिस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं उनका रहना ही मुफीद होता है मुल्क के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में एक्सटेंशन देना कारामद साबित होता है और होनी भी चाहिए, ये उन्होंने बात की उसके हक़ में। और लेकिन सिरे से उन्होंने ये कहा कि एक्सटेंशन का कानून ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नाज़रीन मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब रहनमा हैं पीपल्स पार्टी के, एडवोकेट हैं, बैरिस्टर हैं, तो इन्होंने पार्टी को खैराबाद कहा था क्योंकि उस वक्त इन्होंने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए, उन्होंने मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, किसी भी जमात को सियासत से या हुकूमत से ऐसे निकाला नहीं जा सकता। तो उस वक्त फिर पीपल्स पार्टी ने फौरन शो कॉज नोटिस जारी किया और वजाहत तलब की, उसके बाद अगर वजाहत ना दी गई तो सेनेटरशिप जो है उन्होंने इस पर कुर्बान कर दी हक और सच के साथ खड़े होने के लिए। तो ये वाहिद रहनुमा हैं जो कि खुलकर बोलते हैं, हक और सच का साथ देते हैं। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा, हमारे चैनल का खास ख्याल रखिएगा, इमरान खान साहब की दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उन्हें अपने हिफ्ज़ोमान में रखे और जल्द इंशाल्लाह वो हमारे दरमियान होंगे और बहुत जल्द उनकी तमाम स्पीचेस भी हम आप तक पहुंचाएंगे और आके आप बर वक्त उनके साथ रबते में रहें। एक सियासी रबता होता है और एक सोशल मीडिया के थ्रू रबता होता है, आप उनके तमाम तरबियानात से बर वक्त आगाह रहेंगे इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह पाक आपको भी अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।